हेलो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ रितु। तो यहाँ पर है तीज से एक दिन पहले का दिन और मैं लगा रही हूँ मेहंदी, क्योंकि बच्चों के साथ मेहंदी लगाना तो माशाल्लाह बहुत ही मुश्किल है। उधर गुड्डू खेल रहा है तो मैंने सोचा चलो इतने खेल रहा है तो थोड़ी सी मेहंदी लगा लेते हैं। अब देखो कितनी लगाने देता है। लगा रहे मेहंदी क्योंकि कल है तीज और मेहंदी के बिना तीज तो नहीं होती। प्रेगनेंसी में अलग बात है कि प्रेगनेंसी में भी नहीं लगाई थी मैंने मेहंदी और डिलीवरी के बाद भी नहीं लगा पाई थी। तो उस टाइम चाइनीज़ कीप लगाई थी और आधी बार लगा पाती हूँ आधी बार नहीं लगा पाती, तो बस बच्चे हो गए हैं बड़े तो इसलिए थोड़ी बहुत अब मेहंदी लगा लेती हूँ। शादी से पहले तो ऐसा होता है कि मेहंदी के बगैर हाथ रहते ही नहीं है। कोई भी त्यौहार आए तो मेहंदी सबसे पहले लगा के बैठ जाती थी मैं। तो जी यहाँ पर मेरी लग चुकी है मेहंदी और ये है नेक्स्ट डे का, जो कि मैं हो रही हूँ रेडी। तो बस इधर चूड़ियों का सेट बना रही है मेरी देवरानी, उसने चूड़ियों का सेट मेरा बना दिया है। और इधर मैं हो रही हूँ रेडी क्योंकि आज है तीज। आप सबको हमारी ओर से हैप्पी तीज, हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर बस आज तीज है तो मैंने सोचा चलो ग्रीन साड़ी पहनते हैं। तो बस मैं हो रही हूँ रेडी जल्दी जल्दी से, और कानों में ज़्यादा हैवी नहीं थे, हल्के ही पहने थे मैंने। देखने में बड़े लगते हैं पर अच्छे लग रहे थे। तो बस यहाँ पर बना लूँगी अपने बाल। दोनों बच्चों को नहीं ले जा रही, वो घर पर ही रहेंगे क्योंकि बाइक पर जाएंगे तो इतने नहीं जा सकते। बस गुड्डू मेरे साथ जा रहा है तो फटाफट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए। बस यहाँ पर पहन लिया है मैंने हेलमेट क्योंकि आ चुका है बॉर्डर। तो बस यहाँ पर मैंने हेलमेट पहन लिया है और बाल तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी हेयर स्टाइल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है जो बंदा हेलमेट पहने। और अपनी सेफ्टी के लिए भी आप हेलमेट पहनते हैं तो ये तो ज़रूरी है। तो यहाँ पर आ रही थी बारिश और मेरे हेलमेट पे पूरा पानी पानी बूंदे हो गई थी, तो बस उन्हीं को साफ़ कर रही थी। अब ये है लाल किला जो कि बहुत बहुत सुंदर लगता है, इसके आसपास जो हरियाली सी है बहुत सुंदर लगती है। तो हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर और मिलते हैं आपसे आज। बिंदी भी छूट गई, बिंदी की नहीं बताइए तुमने, बिंदी की नहीं बताइए। हम आए हैं गांव में, छोटी वाली नंद है उनके यहाँ आए थे सिंदारा देने के लिए क्योंकि तीज है तो सिंदारा तो बनता है, तो बस वही देने आए थे। और यहाँ पर गुड्डू खेल रहा है अपने भाई के साथ, इनकी जिठानी का लड़का है। तो बस अब यहाँ से निकलेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया और मुझे बदलने थे कपड़े क्योंकि मेरे सारे कपड़े गीले हो गए थे। तो बस मैं दिख गया क्योंकि रास्ते में पड़ता है उनका घर, तो उनके यहाँ रुके थे और कपड़े चेंज करके गुड्डू ने करा पूरा एंजॉय। हरे हरे अमरूद खाए छोटे छोटे और मिट्टी में खेल रहा है मस्ती से। तो बस यहाँ पर भी हमें काफ़ी टाइम हो गया था और जल्दी से निकलना था क्योंकि घर पहुँचना था जल्दी ही, क्योंकि हमें अच्छे से तीज भी बनानी थी। तो बस हम निकल गए हैं और मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है, ऐसी घटा घटा सी, ना तो धूप है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी। बहुत प्यारा मौसम हो रहा था क्योंकि आते हुए तो हम भीग ही गए थे और गुड्डू बहुत परेशान हो गया था और आगे चल के हमारी बाइक में हो गया था पंचर। इन्होंने बुरा हाल है,
दोनों इधर आओ। कम से कम 2-2.5 किलोमीटर तक बाइक खींची थी, क्योंकि ढलान पे तो आसानी से उतर जाती है बाइक, लेकिन जब ऊपर की साइड चढ़ाई होती है ना तो उस पर आसानी से नहीं चढ़ती। तो पूरे पसीने पसीना हो गए थे, बहुत बुरी तरह थक गए थे। बस पंचर ठीक करवाया तो एक और दिक्कत हो गई, तो उसी को ठीक कराने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। और हम सोच रहे थे कि जल्दी निकलेंगे और जल्दी के चक्कर में हम घर पर पहुँचे 12:30 बजे। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बहुत परेशान हो गए थे हम। पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा, पंचर हो गया पूरी, बड़ी कील निकली है, पता नहीं कैसे। सोचा था चीज अच्छी जाएगी, घर जाके घर जल्दी पहुँचेंगे। अभी 11:30 का टाइम हो रहा है, बहुत परेशान हो गए बैठे हैं इंतजार में। जाते जाते तो कपड़े भीग गए थे सारे, और आते हुए बाइक में पंचर। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते हुए यहीं पर कर रही हूँ वीडियो को एंड। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब करें। यहाँ से अगली बार, बाय बाय।